Hey guys, welcome back to the Devanj Podcast. Guys, today I'm going to tell you a story. The story name is Monkey and Crocodile. So actually, इसमें मैं वो five steps use कर रहा हूँ जो मेरे पापा ने मेरे को बताया. पर मैंने एक book पढ़ी जो है ये इतनी बड़ी नहीं पढ़ी, ये छोटी. इसमें बहुत सारी देखी है, इसमें 101 stories है. तो एक पेज के आगे में एक story आ जाती है, तो छोटी है, इसमें बहुत छोटी stories है. तो वो मैं पढ़ता हूँ. तो पढ़ता हूँ नहीं, आज लिया मैंने, तो अभी वही मैं रीड कर रहा था. तो मैंने पहले उसका रीड करा, फिर मैं अभी उसका बुलेट पॉइंट्स बनाऊंगा, फिर मैं उसका क्या बोलता हूँ उसका एक वीडियो बनाऊंगा जो मैं अभी कर रहा हूँ. थर्ड स्टेप हो गया है ना, फिर उसके बाद मैं उसको अपलोड करूंगा यूट्यूब में, फिर फिफ्थ स्टेप, देन एंजॉय प्ले. यस ये है. तो यस नहीं, रीड बुलेट पॉइंट्स, रिकॉर्ड वीडियो, अपलोड. गाइस अकॉर्डिंग समरी 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 और रिकॉर्ड वीडियो समरी और बुलेट पॉइंट सेम होता है. बुलेट पॉइंट्स में हम उसके बारे में जो होती है ना टेक अवे भी कह सकते हैं उसको, उसको जो मतलब एक समझ रहे, बुलेट पॉइंट्स वही होता है जो समरी होता है. समरी तो पता होगा आपको, तो वही होता है ये. तो एक टाइप से हम उनको माना नहीं जाएंगे, तो ऐसा करता है समरी. चलो ठीक है, समरी को भी काउंट कर लेता है. तो हो गए रीड बुक, बुलेट पॉइंट, नहीं रीड बुक और समरी और बुलेट पॉइंट्स और रिकॉर्ड अ वीडियो देन अपलोड अ वीडियो. तो वही वीडियो अपलोड करना है. तो ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं वो बुलेट पॉइंट्स को कहना. ठीक है, बुलेट पॉइंट्स का कर रहे हैं हम. वंस अपॉन देयर वॉज अ जैम्बोलिन ट्री अलॉन्ग अ रिवर. तो एक एक बार की बात है, वहाँ पर एक टाइप से एक बहुत बड़ा जैम्बोलिन ट्री था. तो उसके ही पास में एक छोटा सा रिवर था. तो उस रिवर में एक्चुअली क्या होता था कि मैं पढ़कर ही बताता हूँ. तो इन विच लिव अ क्रोकोडाइल, उसमें एक क्रोकोडाइल रहता था. पर क्या हुआ, दे बिकम फ्रेंड्स ऑन ईटिंग फ्रूट. द क्रोकोडाइल्स वाइफ सेड दैट शी वॉन्टेड टू ईट मंकीज हार्ट. तो अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा. तो एक्चुअली वो बिकम फ्रेंड्स किस हुए, मंकी और क्रोकोडाइल फ्रेंड्स कैसे हुए. तो एक्चुअली व्हाट हैपेंड, उसमें ना क्या बोलता है, देखो इतनी छोटी सी बुक है, देखो ये है स्टोरी यहाँ से पूरा यहाँ तक बस. तो एक्चुअली देखिए ये जो है, ये है एक टाइप ऑफ मंकी और ये एक्चुअली ये देखिए ये क्या बोलते हैं, ये एक क्रोकोडाइल को खाना देते हैं क्या जो भी है. तो इन विच लेफ्ट द मंकी ऑफर्ड द स्वीट जैम्बोलिन फ्रूट टू द क्रोकोडाइल. वो क्या करता था, जो मंकी था वो क्रोकोडाइल को एक क्या बोलता है मतलब टाइप ऑफ फ्रूट ऑफर करता था और मंकी को मतलब क्रोकोडाइल खा लेता था. ऐसे उनकी जल वो खिलाते रहता था और उनकी दोस्ती मन गई. पर दी क्रोकोडाइल वाइफ सेड दैट शी वॉन्टेड टू ईट मंकीज हार्ट एज इट मस्ट बी वेरी स्वीट. तो उसकी जो क्या बोलता है, उसकी जो बीवी थी उसको ना मंकी का हार्ट खाना था, तो उसको लगा कि बहुत स्वीट होएगा. तो वैसे सो गाइस आई एम बैक बिकॉज व्हाट हैपेंड गाइस, मेरी गलती से वीडियो बंद हो गई थी. तो एक्चुअली मैंने सोचा कि जगह भी चेंज कर लेते हैं. तो एक्चुअली क्योंकि मेरे बाहर पापा ट्रेडमिल चला रहे थे और मेरी मम्मी भी थी तो बाहर, तो मेरे को तो उसे डिस्टर्ब हो रहा था. तो अब पढ़ता हूँ, यहाँ पर रोशनी भी आ रही है, अच्छी है, यहाँ पर खिड़की अच्छा ये मिल रहा है. तो चलिए हम किधर थे. तो वो क्रोकोडाइल्स वाइफ सेड दैट शी वांटेड टू ईट मंकीज हार्ट. वो तो वैसे मतलब टाइप ऑफ सिक थी, वो बीमार थी, तो उसको मंकी का हार्ट खाना था, किसी का भी मंकी का. ठीक है, तो एज इट इज मस्ट बी वेरी स्वीट, उसको स्वीट इसने बोला वो बहुत स्वीट होता होएगा. तो द क्रोकोडाइल वॉज शॉक्ड बट शी wept saying she would die if he did not listen to her. So the crocodile invited monkey to dinner. On the way he told him that his wife was sick. तो क्या हुआ, तो जो वो क्या बोलती है क्रोकोडाइल की जो वाइफ थी उसने उसको कहा कि अगर तुम ये बात मानोगे नहीं तो मैं खुद को मार दूंगी, मतलब सुसाइड कर लूंगी एक टाइप से. तो क्या हुआ, जो क्रोकोडाइल था उसने जो सिंपली मंकी को उसके डिनर में इनवाइट कर लिया. पर जब वो आ रहे थे मंकी ने नहीं क्या बोलता क्रोकोडाइल ने मंकी को उस सब कुछ बता दिया कि उसकी वाइफ सिक थी, उसकी वाइफ को तेरा हार्ट खाना है. तो देखिए
on the so the crocodile invited monkey to the dinner. On the way, he told him that his wife was sick and had to eat monkey's heart. At once, the monkey understood. वो monkey एक बार में understood हो गया था, मतलब उसको समझ आ गया था. The truth, he said. Monkey ने बोला, I've left my heart on the tree. उसने अपना दिल ट्री में छोड़ा है, पर हार्ट के बिना तो हम जी नहीं सकते. तो क्या हो, एक्चुअली वो मेरा भाई आ गया था. तो एक्चुअली देखिए, ऑनली वे, हाँ, तो मंकी ने बोला कि उसको वो तो अपना हार्ट वो छोड़ आया घर पर अगर अपना हार्ट निकालोगे भी तो वो क्या बोलते, अरे मेरे को लगा था गर्मी अंदर. वेट गाइस, ये प्रॉब्लम हो गया, इसको मैं ठीक कर आता हूँ. तो एक्चुअली अब हो गया और बहुत सर्दी का आ गया. और गाइस, हैप्पी न्यू ईयर गाइस. और एक्चुअली मैंने कल रात को 12 बजे एग्जैक्टली काउंट डाउन करा था, वो क्या बोलता है, वो न्यू ईयर का एग्जैक्ट टाइम में ठट से हो गया न्यू ईयर. और एक्चुअली मैंने गलती से उस वीडियो उस शॉर्ट्स में ये घड़ी दिखा दी. तो एक्चुअली ये घड़ी ना थोड़ा सा लेट गई, घड़ी 5 मिनट लेट है, तो इसमें वो 12:55 कुछ ऐसा दिखा रहेगा. तो ऐसे ही डिले हो गई थी क्योंकि 5 मिनट लेट है. तो पर टीवी में जो टाइम चल रहा था, वो घड़ी चल रही थी ना, वो इंडिया दिल्ली का एग्जैक्ट टाइम था, लाइफ टाइम. तो डायरेक्ट हो गया और हो गया न्यू ईयर. तो यस, हमारा इंडिया का तो हो गया, अब दूसरे स्टेट्स का होएगा, हो सकता है हमारे पहले भी हो गया क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइम होता है, तो उसके हिसाब से. तो ठीक है, तो चले अब क्या हुआ. मंकी ने बोला, ऑन द ट्री, मंकी ने बोला, आई लेफ्ट माई हर्ट ऑन द ट्री. द क्रोकोडाइल टर्न्ड अराउंड. ऑन रीचिंग द ट्री, द मंकी क्विकली क्लाइम्ड अप टू द ट्री एंड क्या था, quickly climbed up saying, you are not the unfaithful but also a fool. How can anyone take out their heart and continue to live? And the story end. तो उसने बोला कि अरे तुम पागल हो गया, अगर कोई अपना हार्ट निकालेगा तो वो जिंदा ही कैसे बचेगा. तो फिर वो भाग गया हमेशा के लिए. और क्रोकोडाइल उसकी बीवी उल्ला लो पता नहीं, मेरे को पता नहीं, पर यहाँ पर ही एंड हो गई. वो अपना हार्ट निकाला और कैसे जिएगा, तो इसमें एंड हो गई वो स्टोरी. और मॉरल ऑफ द स्टोरी मीन्स टेक अवे, डोंट ट्रस्ट एनीवन इजीली यूजिंग और एक और है, यूज इंटेलिजेंस टू ओवरकम डिफिकल्टी. सो यस गाइस, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है. तो जड़े में शटिंग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सीरियल. टिल देन, चिकन बाय बाय, एंजॉय, शैल सी यू नेक्स्ट टाइम.